हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुमन फैमिली ब्लॉग में। और नहाना धोना हो चुका है, अभी मैं पूजा नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारे परिवार में ना ताई जी एक लोग ख़त्म हो गई हैं। ताई चाची, अब मुझे नहीं पता कौन, शायद ताई। तो फिर पूजा वगैरह नहीं हो रही है हमारे घर पे। तो नहाने के बाद मैं फिर मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में मैक्रोनी, और आज मेरे घर पे ना तो टमाटर है और ना चिली सॉस है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा मिर्च वाला नमक डाल दिया है और थोड़ा सादा नमक डालूँगी। और इसमें डाल दिया है मैंने टमाटर सॉस। साथ में टमाटर सॉस डालने से ना टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पे लगा दे रही हूँ मैं सबकी प्लेट। सारे लोगों की प्लेटें लग चुकी हैं और चाय भी बन रही है। तो यहाँ पे मैं सबकी नाश्ता हो चुका है रेडी, आप लोग भी आ जाइएगा। आज पता सब कुछ सही चल रहा था और अब मैं खाने के लिए जा रही हूँ, आप लोग भी आ जाइए फटाफट, एकदम गर्मा गर्म चाय। और उसके बाद में पता मैं थोड़ा काम वाम करने लगी। बच्चे, मुझे पाया खाना है। जब तक कटवा नहीं लिया तब तक माने नहीं। तो मैंने यहाँ पे पपीता काट के रख दिया सबका, और सबका प्लेट पे लगा के दे दूँगी। काफ़ी बड़ा था, ये नहीं थे घर में और सभी लोग थे, तो इनका उठा के मैंने रख दिया है, काटा नहीं है अभी। और आप लोग भी आ जाइए, एकदम सर्दी के मौसम में एकदम ठंडा ठंडा अभी गिर जाता। तो फिर और उसके बाद में फिर सब लोगों ने नाश्ता वगैरह दोबारा हो चुका है आज का खाना तो बस। और उसके बाद में फिर आग जलाई तो हम लोग ताप रहे थे, ये तो सतानी करने में लगे हुए हैं दोनों के दोनों। इन दिनों में आग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और फिर तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं टमाटर आलू की सब्जी। और टमाटर आलू सब्जी का और फिर यहाँ पे ना मैं अपने अलमीरा की कर रही हूँ सफाई। और यहाँ पे मिट्टी विट्टी काफ़ी हो गई थी और मुझे लगानी है अपनी साड़ियाँ, क्योंकि मैं सारा कुछ बैग में भर के रख के गई थी। सारे कपड़े बच्चों के, अपने, सिर्फ इनके कपड़े कुछ बाहर छोड़ के गई थी। और इनके तो खैर अलमीरा में कपड़े रहते हैं, कोई उनकी टेंशन नहीं रहती है। और यहाँ पे ये बैग में कपड़े भरे हुए थे, तो सारे में उठा कर सब धुले हुए हैं कपड़े, कुछ कपड़े बगैर धुले हुए हैं। और बाद बाकी तो मैं एक बैग में बगैर धुले कपड़े लेके आई थी, बाद बस्ती सारे धुले हुए हैं। तो मैं इसको तय लगा के रख दूँगी। फिर यहाँ पर सेक दे रही हूँ पराठा, तब तक ये लोग आ गए थे तो मैंने कहा चलो पराठा सेक देती हूँ। फिर किचन की सफाई वगैरह की, झाड़ू वगैरह लगाई, तो बस यही सब काम चल रहा है मेरा घर की। आई हूँ तब से साफ सफाई। और ये साड़ी है ना मुझे बहुत प्यारी लगती है, इसका कलर ही इतना अच्छा है। इस कलर की मेरे पास कोई भी साड़ी नहीं थी। और अब जा रही हूँ खाना खाने के लिए, तो सब्जी पराठा आप लोग भी आ जाइएगा। और उसके बाद में फिर से मैं कपड़े धोने में लग गई थी। और कपड़े धोने के बाद में फिर मैं जो भी कपड़े रखे हुए थे उनको लगा देती हूँ तय, क्योंकि बहुत सारे हैं। और अनुज पता नहीं मुझसे कुछ बात कर रहा था तो मैं उसकी देख रही थी। तो जितने भी कपड़े हैं सारे तय लगा के रख देती हूँ। जो नए कपड़े हैं वो अलमीरा में रख दूँगी, बाद बाकी डेली यूज वाले कपड़े सारे। और इनका पपीता मैंने रख दिया था तो इनको मैंने काट के दे दिया, जो अभी आए हैं सर्दी में लेटे हुए थे। और पता ये बर्गर लेके आए थे, आप लोग भी आ जाइएगा बर्गर खाने के लिए।
तो ये बर्गर लेकर आए थे, तो हम लोग बर्गर खाने में लगे हुए हैं। अब बताइए, इस टाइम लेके आए बिल्कुल शाम को, रात में जब खाना खाने का टाइम। तो अनुज को बर्गर दिया, उसने खाया नहीं, उस कह रहा मेरा आज पेट बहुत भरा हुआ है। तो यहाँ पे बंद गोभी की सब्जी बनाई है मैंने, बहुत सारे कपड़े मैंने तो ले लिए कल, तो ये दूसरे दिन के लिए पे आज बहुत सुबह सुबह तो बहुत पता कि अनुज ने वैसे अगर पल्ला घुमाया होती है सामने आ गया उसकी थोड़ी भी होती है, उसको इतनी तेज लगा उसकी हड्डी में कट से, और मैंने तो सोचा कि सीने में लगा है, मेरे धक धक होने लगी, सब लोग एकदम से वो इतनी तेज चीख, एकदम चीखने लगा इतनी तेज आवाज हुई कट से, बहुत ज़्यादा मुझे किचन में थी, मैंने सिकाई करने लगी, तो मैंने एक बार सिकाई कर दी थी सुबह ही सुबह, और फिर उसके बाद मैं दोबारा से उनकी सिकाई कर रही हूँ, काफ़ी देर तक सिकाई की है इनकी, और पता इतना पूरा हड्डी थी तो इनका पूरा मुंह सूज जाता, पर मैंने सिकाई अच्छे से की इनकी, तो इनका मतलब एकदम पूरा नीला, एकदम नीला नीला काला काला सा दूर से दिखने लगा है, इतनी घबराहट सी होने लगी। बेचारा उसकी भी गलती नहीं थी, उसने जैसे बेड घुमाया और ये क्या एकदम से सामने आ गया लेने के लिए, पर अब खुद दिया और खुद ही लेने के लिए आ गया, तो फिर गलती उसको उसकी कोई गलती नहीं है, बच्चे हैं और ये सिखवा नहीं रहे हैं। तो और उसके बाद में मैं इनके लिए हल्दी वाला दूध, उसमें थोड़ी सी मैंने डाल दी हल्दी, इनको दे दूंगी, और यहाँ पे मैं खा रही हूँ खाना, मेरी भी थोड़ी तबीयत गड़बड़ है तो मैंने चाय बनाई है और इनको हल्दी वाला दूध दे दिया, फिर मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा था, तो फिर मैं इनको लेके लेट गई थी, फिर शाम को भी सिकाई कर दी थी इनकी, तो थोड़ा इनको आराम लग रहा है, बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो गई थी हम लोगों को। दोस्तों अब मैं कर रही हूँ वीडियो का एंड, वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आपको डेली डेली मिलती रहे, और अपनी भी बैठी हुई है तो मैंने कल वीडियो का एंड नहीं कर पाया था, थोड़ा लेट हो जाता है सारा काम, कल तो इतनी डर ही लगता रहा एकदम से, उसकी यहाँ पे लगी है हड्डी में, तो एकदम बहुत तेज़ से आवाज़ हुई एकदम से, उसने बस जरा सा धीरे से बल्ला घुमाया था, तेज अगर घुमाता तो बॉल के जैसे गिरते जाके। तो मिलती हूँ आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय राधे बाय। राधे, लाइक ज़रूर करना आप लोग।